आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत को लेकर जैन मित्र मंडली द्वारा आवास विकास कॉलोनी में एक भव्य होली मिलन एवं जन प्रतिनिधियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत एवं होली के त्योहार की खुमारी बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं बीजेपी समर्थकों के सर चढ़कर बोल रही है। होलिका दहन के दिन जैन मित्र मंडली द्वारा होली मिलन समारोह के साथ साथ प्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान जैन समाज की कई बड़ी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रही। आज हमने पूरी मित्र मंडली ने आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 के होली मिलन समारोह का बड़ी जोरदार से प्रोग्राम रखा है और अपने भाईचारे को बनाने के लिए ये होली का प्रोग्राम रखा है। और जो हमारी आगरा की विधायक की नौ जो सीट आई है उनके अपलक्ष में प्रचंड जीत के कारण हमने होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि रविंद्र कुमार जी ने हेमा भाई ने होली के पावन शुभ अवसर पर होली की विश्व बेला पर एक ऐसा कार्यक्रम मित्र मंडली द्वारा जो आयोजित किया गया है वो वास्तव में अद्भुत कार्य है। इस कार्यक्रम में आगरा के सभी 9 विधायक सांसद जी की उपस्थिति अभी थोड़ी देर में होने वाली है। हमारे पिताजी रविंद्र कुमार जैन हेमा भाई की तरफ से सेवा मिन में आज कार्यक्रम रखा गया है होली के उपलक्ष में। तो नहीं, अब की बार तो उत्साह अच्छा नज़र आ रहा है। कोविड के बाद काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बाग भी दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है जैन मित्र मंडली द्वारा और यहाँ सब लोगों को एक दूसरे के तिलक लगाकर और चंदन लगाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं और दूसरी तरफ भाजपा की जीत कर खुशी मनाई जा रही है। जैन मित्र मंडली द्वारा होली मिलन और जो विधायक हमारे बने हैं उनका स्वागत समारोह यहाँ मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास से और सबको बहुत खुशी है कि भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और होली मिलन समारोह दोनों साथ साथ मिला रहे हैं। जैन मित्र मंडली कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों ने अपनी कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान बरसाने जैसा माहौल बनाने के लिए ब्रज के कलाकारों ने मोर नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। ये एक पर्व ऐसा है जिसमें सभी लोग अपना इकट्ठा होकर और होली समारोह का आनंद लेते हैं और भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है उसमें सभी लोग जा करके एकत्रित हो रहे हैं और सबका स्वागत करा जाएगा और होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में ऐसे ही सबके रंग भरते रहें, खुशियां मनती रहें, घरों में उन्नति हो और प्रगति हो। साथ ही योगी बाबा लौट के आ गए हैं, बुलडोजर वापस चल रहा है और हमारी शुभकामनाएं जो सरकार आई है वो आज पहले से अच्छा काम करेगी और वो बड़े इस बार की होली को एक नई रूप में देख रहे हैं के साथ ही जो उन्होंने जिस प्रकार से जीत तो हुई है लेकिन जो होलिका के त्यौहार के अंदर जो भी लोगों के अंदर आपसी मतभेद वैमनस्यता की भावना होती है वो सारी चीज़ें बुलाई जाती हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये होली मनाई जाती है। और इस बार ये एक नया इतिहास जो रचाया जा रहा है कि हर जगह हर क्षेत्र में हर उसमें जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघ के लोग सभी मिलकर के बड़े उत्साह के साथ इस बार होली को आयोजन कर रहे हैं। जैन मित्र मंडली द्वारा होली समारोह किया जा रहा है भव्य रूप से। इसमें हमारे आगरा के विधायक सांसद जी होंगे और मौजूद विधायक हमारे पुरुषोत्तम गणेशवाल जी इस मौके पर होंगे और बड़े भव्य सानिध्य में हुआ। धन्यवाद। आज के दिन यही संदेश है लोगों को कि सब भाई भाइयों की तरह मिलजुल कर आएँ, यही होली की सार्थकता है। ये मित्र क्लब का आयोजन है और इसमें हेमा भाई, विजय जैन, इन सब लोगों ने एक अच्छा आयोजन किया। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। कार्यक्रम के दौरान जैन मित्र मंडली के सदस्यों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर माथे पर चंदन का टीका लगाया। इस दौरान समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई समाजसेवी मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।